ओम शांति। आज 16 नवंबर 2023 की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को संगम युग के पुरुषार्थ की प्रालब्ध 21 जन्म चलनी है, इसलिए स्मृति देते हैं कि इस बात की स्मृति में रहे और अपना श्रेष्ठ कर्म करें, ज्ञानदान से अपनी प्रालब्ध बनानी है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करके साक्षी रहना है। बेपरवाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस है, इसलिए निर्माणता और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस रखकर फिक्र से फारिग रहे। आज की मुरली का मुख्य टाइटल है मीठे बच्चे। भारत जो हीरे जैसा था, पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर से पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये भी वंडरफुल बात है, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये मात पिता कौन है? ये परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहां होता है न? इसी साकारी सृष्टि पर सतयुग होता है, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग होता है। परम धाम तो सबसे ऊंचा स्थान है। शिव बाबा परम धाम का रहवासी है। सतयुग तो यहां ही होता है। परम धाम में रहने वाले तो हम सब है। हमारा भी घर ओरिजिनल घर परम धाम है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम अर्थात निर्वाण देश से आती है। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, ये अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराए। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो ये कैसे हो सकता है? 5,000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं कि सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सब का विनाश कराए एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो न? सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में
एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5,000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। ये राज गीता में है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र निराकार को कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही। देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी है पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजा ही मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते वह भी भगवान हम भी भगवान, बस यहाँ आए हैं मौज करने। बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों अनेक फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं। भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परमधाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे न चाहे फल तो जरूर मिलता है। दान करते हैं फल जरूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो क्योंकि पास में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए, फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्ययुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम युक्त पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा, अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत है जो कहते हैं 5,000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5,000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी ना। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। तुम जानते हो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे ये विनाश ज्वाला निकलती है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है।
कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में शिव अर्थात की रुद्र से वर्षा ले रही है, यहां बैठी है ब्रह्मा बाबा ही है। तो फर्स्ट जन्म श्री कृष्ण, लास्ट 84वां जन्म ब्रह्मा का तन। बाबा अलग और ये अलग है, शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा बाबा अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है, मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। ये क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आई? बाप समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा देता हूँ और वे खुश हो जाते हैं। ये भी ड्रामा में राज है, बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नोंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हरेक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परमधाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्त्वम् तुमको भी बनाता हूँ। पहला नंबर पुरुषार्थी ये है ब्रह्मा बाबा। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते हैं तुम तख्तनशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है, माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सत्युग में। बाबा कहते हैं, घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलिया तो बहुत है, रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार न हो। परंतु जब दो चार बात सुने जब दो चार बार सुने तब ख्याल में आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने? एक ओमकार सतनाम, ये उनकी महिमा है, उन्होंने ही कहा है। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है, कहते हैं ना सिंहासन छोड़ कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, ऐसे नहीं सबके दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं, मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ये जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे, हमारे देवी देवता धर्म के जो है उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे है देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़े लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलूं, फिर चाहे मखमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो, वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, बाप दादा और मीठी मम्मा के सिकिलदी बच्चों को याद प्यार और सलाम मालिकम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है, ये बातें स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञानदान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरी पॉइंट, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। आज का मीठा वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। विश्लेषण है, ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मानती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है ना, एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ, सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव न हो। लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। महादेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, टाइटल है, आत्मा परमात्मा में अंतर अर्थात भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका अर्थ यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो ये शब्द साबित अर्थात कि सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग-अलग दो चीज है, दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, कौन से मतलब से, वापस से सुने। वो तो कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ जाता है, इसलिए ही अपने असली स्वरूप को भूल गई है। जब वो माया का आवरण उतरे, जब वो लेयर उतरे, फिर आत्मा वही परमात्मा है, ऐसा वो लोग कहते हैं। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है, स्वयं को भूल गए इसलिए तो दुखी हुए है ना। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाती है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, याद से ही शुद्ध बनते हैं, फिर आत्मा परमात्मा में मिल, हाँ, मिलन मनाती है और एक हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं ना, वो लोग नहीं समझते, वो लोग समझते हैं कि एक हो जाएंगे, पर हम जानते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग-अलग चीज है, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती है
और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है। दोनों भी पॉइंट्स रॉन्ग है। ना आत्मा परमात्मा एक है और ना ही वो एक दूसरे में मिलते हैं। ना आत्मा परमात्मा में मिल सकती है और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। परमात्मा तो एवर प्योर है, इसलिए उन पर तो कभी आवरण चढ़ ही नहीं सकता है। तो आज का हमारा स्वमान है, मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं, सभी को सुख देने वाला सुखदेव। आज का अव्यक्त इशारा है, ब्राह्मण आत्माएं सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुखदेवा है। जब दुखधाम को छोड़ चले ना, जब दुखधाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती है, पुरुषार्थ में ये दुआएं ऐड हो जाती है। किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 9:45, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:15। ओम शांति। शुभ दिवस।